नमस्कार, जय श्री कृष्णा। मैं राकेश शिवानी एस्ट्रो चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि लास्ट लेक्चर से मैं आपको दशा और अंतर दशा के बारे में बताने जा रहा हूं, और मैंने लास्ट लेक्चर में आपको एक समरी, एक ब्रीफ दिया था कि दशा और अंतर दशा के फल कैसे अच्छे मिलते हैं या कैसे फल उसके अच्छे नहीं मिल पाते हैं। अब इसमें वो मैंने आपको जब होरा शास्त्र के श्लोक के अनुसार भी कुछ समझाया था, जो लगता है अगर आपने नहीं देखा है तो काइंडली इसको जरूर देख लीजिए, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है और वो ही बेस है हमें दशा और अंतर दशा को समझने का, उनके फल को समझने का। अब इसमें आते हैं डिफरेंट डिफरेंट चीजों पे, वो आपको ध्यान रखने वाली है। इसमें जो भी चीजें मैं आपको बता रहा हूं, नंबर एक ये तो आप ध्यान रखिए कि मैं किसी भी ऐसी जगह से आपको ये चीजें नहीं बता रहा हूँ, कोई अपना एक्सपीरियंस हो या कोई अपने आप कोई चीज बताई हो, ऐसा नहीं है। जो भी है शास्त्रों के अनुसार है और मैं शास्त्रों के अनुसार ही बता रहा हूँ। तो इसलिए आप जो मैं बता रहा हूँ आपको, उसको ध्यान में रखिए, आपको बहुत हेल्प मिलेगी रिजल्ट को प्रेडिक्ट करने के लिए, अंतर दशा के और या महादशा के रिजल्ट को प्रेडिक्ट करने के लिए। पहला इसमें एक नियम है, यदि किसी क्रूर ग्रह की महादशा हो, क्रूर ग्रह कौन है आपका, राहु है, केतु है, सूर्य है, शनि है, मंगल है, ये क्रूर ग्रह कहलाते हैं। शुभ ग्रह कौन से कहलाते हैं, जो नैसर्गिक शुभ ग्रह हैं, वो आपके बृहस्पति है, शुक्र है, चंद्र है, बुध अगर अकेला हो, चंद्रमा अगर क्षीण चंद्रमा ना हो, तो ये आपके शुभ ग्रह कहलाते हैं। तो इसमें ये कहना चाहता है कि जो भी विद्वान है वो ये कहना चाहते हैं कि किसी क्रूर ग्रह की महादशा हो और उसमें किसी ऐसे ग्रह की अंतरदशा हो जो जन्म नक्षत्र से तीसरे, पांचवे या सातवें नक्षत्र का मालिक हो। आई रिपीट, यदि किसी क्रूर ग्रह की महादशा हो और उसमें किसी ऐसे ग्रह की अंतरदशा हो जो जन्म नक्षत्र से तीसरे, पांचवे और सातवें नक्षत्र का मालिक हो, तो ऐसी परिस्थिति में जातक के घर में चोरी होती है, उसे शत्रु पीड़ा होती है और जातक बहुत दुखी रहता है। ये तो एक इंडिकेटिव हुआ, मतलब कहने का ये है कि ऐसी दशा जातक को परेशान करने वाली होती है, उसे कष्टों से जुझाने वाली होती है। अब इसका मतलब क्या हुआ, मतलब इसका देखिए ऐसे हुआ, जैसे मान लेते हैं कि आपका जन्म नक्षत्र रेवती है, आपका जन्म नक्षत्र सपोज कीजिए रेवती है, तो रेवती से तीसरा कौन सा हुआ, रेवती अश्वनी भरनी, यानी भरनी आपका तीसरा नक्षत्र हुआ, रोहिणी आपका पांचवा नक्षत्र हुआ, आर्द्रा आपका सातवां नक्षत्र हुआ। जन्म नक्षत्र से हमने लगाया तो भरनी का स्वामी शुक्र है, रोहिणी का स्वामी चंद्रमा है, आर्द्रा का स्वामी आपका राहु है। तो कहने का मतलब यह है कि जब किसी क्रूर ग्रह की दशा होगी, मान लीजिए शनि की दशा है, तो जब शनि की महादशा होगी तो उसमें राहु की अंतरदशा या उसमें आपकी चंद्रमा की अंतरदशा या आपके जो ग्रह है इनकी अंतरदशा आपकी अच्छी नहीं जाएगी। फिर समझिए इसको कि आपका जो जन्म नक्षत्र है उसका तीसरा नक्षत्र लीजिए उसका स्वामी, उसका पांचवा नक्षत्र लीजिए उसका स्वामी, उसका सातवां नक्षत्र लीजिए उसका स्वामी, उन तीनों स्वामियों की अंतरदशा किसी क्रूर ग्रह की महादशा हो, चाहे वो शनि की हो, राहु की हो, किसी की भी हो, उसमें उन तीनों ग्रहों की अंतरदशा अच्छी नहीं जाएगी और उसके अंदर पीड़ा रहेगी। तो ये पहला नियम है कि आपको वो ध्यान रखना है कि जब भी किसी क्रूर ग्रह की महादशा को आप देखें, कि ये देखें आपकी शनि की महादशा चल रही है या आपके मंगल की चल रही है या सूर्य की चल रही है, तो हमेशा काइंडली ये चेक कर लें कि जिसमें उसकी अंतरदशा चल रही है, क्या वो अंतरदशा का जो स्वामी है वो आपके जन्म नक्षत्र से तीसरे, पांचवें और सातवें नक्षत्र का मालिक तो नहीं। अगर ऐसा है तो उस दशा में आपको फल में बहुत ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि उस दशा में आपको अच्छे फल नहीं मिल पाते। दूसरा पॉइंट ये इसके अंदर ये आता है, सिमिलर पॉइंट है कि यदि किसी क्रूर ग्रह की ही महादशा हो, सपोज कीजिए कि आपकी शनि की है या आपकी राहु की है, आपकी केतु की है या आपकी सूर्य की है, मंगल की है, और उसमें जन्म राशि के स्वामी की अंतरदशा हो। जन्म राशि कौन सी, जहां पे आपका चंद्रमा बैठा हुआ होता है, वो आपकी राशि जन्म राशि कहलाती है, जिस राशि में आपका चंद्रमा होता है। तो किसी क्रूर ग्रह की महादशा में यदि किसी जन्म राशि के स्वामी की अंतरदशा हो,
जहां जन्म राशि है आपकी उसके स्वामी की अंतर दशा हो, या जन्म राशि से अष्टम राशि के स्वामी की दशा हो, आई रिपीट, किसी क्रूर ग्रह की मां दशा हो और उसमें जन्म राशि के स्वामी की अंतर दशा हो, या जन्म राशि से अष्टम राशि के स्वामी की अंतर दशा हो, तो भी शत्रु पीड़ा दुख आदि कष्ट होते हैं ऐसी दशा के अंदर। तो ये पॉइंट भी आपको बहुत इंपॉर्टेंट है याद रखना, ये बहुत आपका काम में आएगा कि जब भी आप किसी गुरु ग्रह की मां दशा को देखें तो उसमें ये जरूर चेक कर लें कि जिसकी अंततः चल रही है वो जन्म राशि का स्वामी तो नहीं है, या जन्म राशि से आठवीं राशि का स्वामी तो नहीं है। अगर ऐसा नहीं है तो ठीक है, अगर ऐसा है तो आपको बहुत ध्यान देना है, क्योंकि वो दशा कष्टों वाली दशा हो सकती है। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताने जा रहा हूं, जो नॉर्मली हम लोग देख लेते हैं, कई बार हम देखते हैं कि शनि की दशा किसी की चल रही है और शनि उसका मान लिया पूर्ण योगकारी ग्रह है, शनि उसका केंद्र का मालिक भी है, शनि उसका त्रिकोण का मालिक भी है, तो शनि उसका पूर्ण योगकारी ग्रह हो गया। अब आप सोचते हैं कि यार शनि की पूर्ण योगकारी ग्रह है, बैठा भी केंद्र त्रिकोण में है, तो उसकी दशा बहुत अच्छी जानी चाहिए, लेकिन अच्छी दशा अच्छी नहीं जा रही है। तो उसका एक रीजन हो सकता है, उसका रीजन ये हो सकता है कि ये काउंट कीजिए कि शनि की दशा आज की आपकी जन्म दशा से चौथी तो नहीं है। अगर आपकी जन्म दशा से चौथी है तो उस केस में वो प्रॉब्लम आपके लिए पड़ जाएगी। आपकी जन्म दशा से अगर शनि की दशा चौथी है तो आपको दिक्कत रहेगी। इसी प्रकार से आपकी बृहस्पति की दशा यदि आपकी छठी है तो आपको दिक्कत रहेगी। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि आपकी जो दशा है शनि की दशा है कहीं आपके जन्म दशा से चौथी तो नहीं। यानी अगर आपकी शनि की दशा चल रही है और शनि आपका बहुत अच्छा ग्रह है, योगकारी ग्रह है, और आप बिल्कुल समझ रहे हैं कि शनि के आपको रिजल्ट बहुत अच्छे मिलने चाहिए, लेकिन कई बार आपको देखते हैं कि रिजल्ट अच्छे नहीं मिल रहे हैं, प्रॉब्लम आ रही है, तो ये चेक कीजिए कि शनि की दशा कहीं जन्म दशा से चौथी तो नहीं है। क्योंकि शनि की दशा यदि जन्म दशा से चौथी हो, बृहस्पति की दशा यदि छठी हो और मंगल और राहु की दशा यदि पांचवी हो तो वो हमेशा हानिकारक होती है। ये ध्यान रखिए, जन्म दशा से आपको बता रहा हूं मैं कि जन्म दशा से अगर शनि की दशा चौथी हो, बृहस्पति की दशा छठी हो और राहु और मंगल की दशा अगर पांचवी हो तो वो हमेशा हानिकारक होती है। तो ये चीज आपको जरूर ध्यान में रखनी है, तब आप उसका परिस्थिति से रिजल्ट ठीक से कर पाएंगे। उसके बाद ये मुझे लगता है कि आपको इतना समझ में आया होगा। अगर आपको फिर दूसरा इसके अंदर मैं आपको एक चीज और बता देता हूँ, एक पॉइंट और बता देता हूँ कि मान लीजिए किसी ऐसे ग्रह की अंतरदशा है जिसकी महादशा चल रही है, सपोज कीजिए कि शनि की महादशा चल रही है और उसमें किसी ऐसे ग्रह की अंतरदशा चल रही है जो उसका शत्रु है। शनि की महादशा है और शनि के शत्रु कौन है? सूर्य। सूर्य की अंतरदशा चल रही है या गुरु की अंतरदशा चल रही है, या वो जो ग्रह है जिसकी अंतरदशा है वो शत्रु राशि में है, यानी कि शनि की शत्रु राशि में है, जो भी शनि की शत्रु राशि है उसके अंदर बैठा है या छठे है उससे, या वो लग्नेश का शत्रु है, तो ऐसी दशा में शत्रु का भय होता है, स्थान भय होता है, नौकरी या मकान छूटने का भय होता है। अब दोबारा समझने की कोशिश कीजिए, मान लिया किसी ऐसे ग्रह की अंतरदशा है जिस ग्रह की महादशा चल रही है, सपोज महादशा चल रही है शनि ग्रह की, उसमें किसी ऐसे ग्रह की अंतरदशा है जो उसका शत्रु हो, मान लिया सूर्य की अंतरदशा है, या शत्रु राशि में बैठा हो, यानी वो ग्रह जिसकी अंतरदशा चल रही है वो शत्रु राशि में शनि के शत्रु राशि के अंदर बैठा हो, गुरु की राशि में बैठा हो, या छठे हो उससे शनि से, या वो लग्नेश का शत्रु हो, तो ऐसी अंतरदशा जो होगी वो हमेशा कष्ट में होगी। ये आपको ध्यान रखने वाली बात है, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको ध्यान रखना है। आपको मैं एक पॉइंट और बता देता हूं कि महादशानाथ से हमेशा
अंतरदशा नाद को काउंट कीजिए कि किसकी महादशा चल रही है, किसकी अंतरदशा चल रही है और वो महादशा नाद से कहाँ बैठा हुआ है। अगर वो महादशा नाद से छठा, आठवां या बारहवां है तो वो अंतरदशा कष्टकारक होगी, ये बात आप ध्यान रखिए। यानी अंतरदशा नाद महादशा नाद से अगर छठा, आठवां या बारहवां है तो वो दशा कष्टकारक होगी। ये आपको ध्यान रखने वाली बात है। मैंने कुछ पॉइंट आपको बताए हैं, अगले वीडियो में मैं आपको कुछ और पॉइंट्स बताऊंगा इसके अंदर जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। आशा करता हूं यहां तक आपको समझ में आया होगा। इन सब पॉइंट्स को नोट कर लीजिए, समझ लीजिए, नहीं समझ आए तो पूछ लीजिएगा। और इसके बाद बस इतना ही मैं आपसे कहूंगा कि अच्छा लग रहा है आपको तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, मेरा मोटिवेशन बढ़ा। थैंक यू। जय श्री कृष्ण।